झारखंड के धनबाद बोकारो में एनआईए का छापा, दामोदर तुरी गिरफ्तार, बच्चा सिंह सहित कई लोगों के ठिकानों पर हुई तलाशी। झारखंड के बोकारो और धनबाद में रांची से पहुंची नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अलग अलग टीम ने मंगलवार की सुबह मजदूर संगठन समिति से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान विस्थापन विरोधी मंच के संयोजक दामोदर तुरी को गिरफ्तार कर लिया गया। एनआईए के साथ स्थानीय पुलिस भी थी। बोकारो, गोमिया और बेरमो में एनआईए की टीम ने मंगलवार सुबह एक साथ मजदूर संगठन समिति से जुड़े प्रतिनिधियों के घर धावा बोला। बेरमो प्रखंड के बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र अंतर्गत निसनहाट कॉलोनी स्थित मासस के केंद्रीय महासचिव बच्चा सिंह के डीवीसी आवास एचएमडी 50D बोकारो थर्मल शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष नागेश्वर महतो के आवास एमएचटी 36 एवं कोषाध्यक्ष झोपड़पट्टी निवासी संजय तुरी के घर सुबह करीब 5:30 बजे दबिश थी। छापेमारी के दौरान पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। करीब 4 घंटे चली छापेमारी में एनआईए टीम ने बच्चा सिंह के यहां से 2 मोबाइल फोन, संगठन का बैनर पोस्टर एवं संजय तुरी के यहां से 1 मोबाइल फोन, बैनर, झंडा, रसीद, पर्चा व नागेश्वर महतो के यहां से 1 छापेमारी, 1 डायरी जब्त कर अपने साथ ले गई है। छापेमारी टीम के सदस्य बिना कुछ बोले वापस लौट गई। वहीं गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित आदिवासी मूलवासी अधिकार मंच जिला सचिव अनिल हंसदा के घर भी एनआईए की टीम ने 1 मोबाइल फोन, टैबलेट, 3 डायरी, कुछ किताबें, आधार कार्ड, बैंक पासबुक जब्त किया है। बोकारो के बाली डी थाना अंतर्गत सिम्बू टाड में दीपक महतो के यहाँ भी टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में बोकारो थर्मल, गोविया, बेरमो, जरीडीह, बालीडीह, पेटरवार थाना की पुलिस भी मौजूद है। वहीं धनबाद के टुंडी के पीर टांड से सटे नवादा गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने विस्थापन विरोधी मंच के संयोजक दामोदर तुरी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के साथ मनिया डीए पुलिस भी मौजूद थी। दामोदर तुरी के आवास को करीब 3 घंटे तक खंगालने के बाद एनआईए की टीम उसे लेकर निकल गई। दामोदर तुरी से मनिया डीए थाने में एनआईए के पदाधिकारी दोपहर करीब 1 बजे तक पूछताछ कर रहे थे। दामोदर तुरी मजदूर संगठन समिति से भी जुड़ा हुआ है।